फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। जैसे कि आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बेस्ट टू के लिए जाए यदि आपने आवेदन किया है तो उसकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है। तो फाइनल लिस्ट को किस प्रकार से देखना है आपको यहाँ पर हमने वीडियो के माध्यम से सभी बताया है। और आज हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे कि रिटन एग्जाम आपके नहीं होने वाले हैं, ठीक है, केवल आपका इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कितने परसेंटेज वालों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसका हमने वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए ताकि आप सभी को पता चल जाए। और यहाँ पर आपको आज बताने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू, क्योंकि आपका रिटर्न एग्जाम जो है वो नहीं होगा, केवल आपका इंटरव्यू के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। और ठीक है, जो इंटरव्यू की फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है वो किस आधार पर बनी उसका भी वीडियो हमने प्रोवाइड करवा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आज बताने वाले हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है उसे जरूर पढ़कर जाइएगा। तो चलिए हम कर देते हैं पीडीएफ को ओपन। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका भी इसमें इंटरव्यू की लिस्ट में नाम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड या अन्य कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और वो जानकारी आपको सबसे पहले तभी मिल पाएगी जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए हमारी चैनल की यहाँ पर लिंक भी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को डायरेक्ट दबाकर आप लिंक को डायरेक्ट दबाएंगे तो हमारी चैनल पर आप पहुँच जाएंगे। इस लिंक को आप डायरेक्ट प्रेस करिए, हमारी चैनल पर पहुँच जाएंगे। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जनसेवा मित्र के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न है। पहला यहाँ पर आपको लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, पहले इसे समझ लीजिए। डायरेक्ट आप यहाँ तक मैंने आपसे ऐसे ही बोला, आप डायरेक्ट यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज मत करिएगा, पहले इसको पूरी तरह समझ लीजिए, ठीक है। आपसे इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि आप जनसेवा मित्र क्यों बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उत्तर सहित आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ ताकि मुझे इस काम के बदले कुछ रुपये मिल सके, जिससे मेरे घर खर्च में मदद मिल सकेगी, और साथ ही इसके साथ साथ जनसेवा मतलब लोगों की सेवा करने का मौका मिल सकेगा। योजना के बारे में बताकर समझाकर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाना इंटरनशिप जनसेवा मित्र अर्थात मेरा परम कर्तव्य है। पहला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आपने मुझे कमेंट कर बोला कि हमें आंसर भी प्रोवाइड करवा दी, इसलिए मैं आंसर लिख के बता रहा हूँ आपको। अपने ब्लॉक में कितनी पंचायत है, जिले में टोटल कितनी पंचायत है, सभी आपको खुद पता लगानी होगी, अपने ब्लॉक की डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से जाकर पता लगा सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों, युवाओं, वृद्ध विधवाओं के लिए चलाई जा रही कि नहीं 2 से 3 योजनाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर हमने योजनाओं के नाम भी लिख दिए, जैसे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। युवाओं के लिए जैसे लेटेस्ट में जो योजना लॉन्च हुई वो सीखो कमाओ योजना, उसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि जो सीखो कमाओ योजना उसमें किस युवा को कितने रुपए प्रतिमा मिलेंगे, तो 8 से 10 हजार रुपये मिलेंगे, ठीक है। उद्यम क्रांति योजना, युवा नेतृत्व योजना, विधवाओं के लिए वृद्धा पेंशन, ठीक है। इसके अलावा नोट इसके अलावा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि जनसेवा मित्र तो सभी बनना चाहते हैं, आप जनसेवा मित्र बनकर अलग क्या करना चाहते हैं, तो उसका भी यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये यह आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूरा आंसर आपको पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ठीक है। आप अपने हाल ही में कौन सा कोर्स किया है, क्या पढ़ाई चल रही है, जैसे कि PGDCA, MA, BCOM, BSc, इनका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो आप ये आपने जैसे कोई भी कोर्स किया उसका नाम आप गूगल पर सर्च कर दीजिए, फुल फॉर्म लिखकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर PGDCA है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जैसे BSc है तो BSc का हो जाएगा बैचुलर ऑफ साइंस, BCOM का हो जाएगा बैचुलर ऑफ कॉमर्स, MA का हो जाएगा मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इस प्रकार से आपने जो भी कोर्स किया उसका गूगल पर आप नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा फुल फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। 6वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपके पास आपकी खुद की बाइक है, स्मार्टफोन है, कि आपको कंप्यूटर चलाते आता है नहीं, तो आपको तीनों में यस बोलना है, ठीक है, यस बोल देना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी, अगर आपने नहीं बोल दिया है आपके पास है, फिर भी आपने नहीं बोल दिया तो आपको 100% रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इंटर्नशिप में काम ही है बाइक का, स्मार्टफोन का, ठीक है। अपने जिले में विकासखंड में जनपद पंचायत के मुख्य अधिकारियों के नाम, कलेक्टर, CEO सर, अपर कलेक्टर, जनपद पंचायत CEO आदि, तो ये अभी आप अपने जिले के अधिकारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर ये पता लगा सकते हैं कि आपका वर्तमान में कलेक्टर कौन है, जिला CEO कौन है, सभी आप जानकारी लगा सकते हैं।
आप इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हो? जी सर, मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। और नौवा क्वेश्चन आपका रहेगा, आपसे संबंधित जानकारी आप भी ले सकते हैं, जैसे आप क्या काम करते हैं, आप फिलहाल में क्या कर रहे हो, आपने फिलहाल में कौन सा कोर्स किया है, आगे क्या करने की सोच रहे हो, इस प्रकार से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे संबंधित। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए क्या आप 6 महीने तक फ्री रहोगे या नहीं? जी सर, मैं अगले 6 महीने तक इंटर्नशिप के लिए पूरी तरह फ्री रहूंगा। और यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, मेन बात तो है कि आप मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना में जुड़ तो रहे हैं, पर इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? तो इंटर्नशिप का मतलब होता है किसी काम को सीखना या जानना, इंटर्नशिप कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंप्यूटर चलाते आता है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान है या नहीं, एमएस एक्सेल पावर पॉइंट आदि आपसे चलवा भी सकते हैं अगर उनको लगा तो। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नोट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इन प्रश्नों के अलावा आपको लगता है कि हमें दूसरे प्रश्न भी पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% यही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि जनसेवा मित्र से रिलेटेड और कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है उन सभी को ये क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका रिटर्न एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुका है, केवल आपका इंटरव्यू ही लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।